एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद दो पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे, उसके बाद जनरल डिब्बे थे दो। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। तो इस हादसे के कारण सबसे पहले तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए थे। ये करीब 8:55 की घटना है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो लोकल लोग हैं वो तो पहुँच ही गए थे घटनास्थल पर। हमारा एरिया ऑफिसर एनजीपी में नए न्यू जलपाईगुड़ी में है, जो कि करीब 10-15 किलोमीटर दूर है, वो लोग वहाँ और उनके साथ एक एडीआरएम और उनकी टीम, वो लोग सबसे पहले पहुँच गए, स्टेशन का स्टाफ पहुँच गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच गया, एम्बुलेंसेज आ गई और एनडीआरएफ आर्मी की वहाँ पर एक यूनिट है, आर्मी से आ गए लोग और रेस्क्यू आरंभ कर लिया गया। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके, उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। रेलवे के डॉक्टर्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, उनकी सेवा में हैं। हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन होती है वो भी घटनास्थल पर पहुँच गई थी 1 घंटे के अंदर। उसके साथ ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स 2 जो हैं वो भी चल पड़ी हैं, एक पहुँच गई है, दूसरी पहुँचने वाली है। जो फ्रंट पोर्शन है ट्रेन का, जो कि अनअफेक्टेड है, उसको ठीक करके और डीजल लगा के उसको आगे ले जा रहे हैं, जिससे कि लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। पैसेंजर्स जो हैं वो अपने, जो फंसे हुए हैं वहाँ पर इस घटना की वजह से, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। उनके जितने भी नेक्स्ट ऑफ किन एंड उनकी जो वेलविशर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने हर जगह हेल्प डेस्क खोल दी है। इस ट्रेन के पूरे रूट पे जितने भी मेजर स्टेशन हैं वहाँ पर तो फिजिकल हेल्प डेस्क खुल गई है। हेल्पलाइन नंबर्स हर जगह के शेयर कर लिए गए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी शेयर कर लें। सारी हेल्पलाइन जो हैं वो अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक। उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो वो उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अब चूंकि रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो रास्ता बाधित है, जो रूट ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके और उसको शुरू कर दिया जाए। मैम इसके साथ में वही एक टोटल कैजुअलिटीज कितनी है, टोटल इंजर्ड्स कितने हैं, कितने सीरियसली इंजर्ड हैं, अगर वो फिगर मेरे साथ अगर आप, मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो 8 ओके जी। मैम मुआवजा की घोषणा अक्सर इंक्वायरी की बात होती है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं? मुआवजा तो एक्सग्रेशिया जो होता है वो अनाउंस हो गया है और एनहांस्ड एक्सग्रेशिया भी अनाउंस हो गया। कोई इंक्वायरी भी नहीं? इंक्वायरी तो होगी ही, इंक्वायरी होगी, पर इंक्वायरी तो सब्सिक्वेंट है। अभी तो सबसे पहला काम रेस्क्यू है, रेस्क्यू एंड देन रेस्टोरेशन, इंक्वायरी उसके बाद जाएंगे मैम। वो बस अभी पहली फ्लाइट, वो एयरपोर्ट की तरफ चलेगा। मैम कितने लोग इंजर्ड सीरियस हैं, कुछ ऐसा भी नहीं? सीरियस इंजरी का अभी कोई इंडिकेशन नहीं आया है। हमें जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एसपी साहब से जो बात हुई थी, उनके इंफॉर्मेशन के अनुसार 25 लोग हॉस्पिटल गए हैं, जो जिनको कोई भी फेटल इंजरी नहीं है, उनके शब्द यही हैं।
पर वी विल बी नोइंग मोर, अभी हमें पता चल जाएगा, हमारे डॉक्टर्स भी वहां पर हैं, तो सारी इंजरीज असेस करके वो हमको बता देंगे। मैम कवच सिस्टम इंस्टॉल कवच तो अभी गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है, दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है, नॉट नॉट देयर राइट नाउ। तो मैम इस वक्त के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अभी तक के जो टोटल कैजुअलिटीज है वो 8 की है। जी और इंजर्ड 25 बताया, पर मे बी 50 के आसपास हॉस्पिटल में लोग आई वुड नॉट लाइक टू गेट इन टू दैट, बट लेट मी अश्योर यू की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग टू एंश्योर दैट आर ट्रेन ऑपरेशन रिमेन सेफ। और जहां तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी एंड वी हैव टू कंट्रोल ह्यूमन एरर ऑल्सो, जिसके लिए कि कवच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि प्रोलिफरेट करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है, ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा, नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। मैम कवच क्या पूर्वोत्तर और